हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि कैसे इंग्लिश सीखा जाए, इंग्लिश बोलना कैसे सीखे, इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखे, इंग्लिश में जो बातें बोली जाती हैं उनको समझना कैसे सीखे। बट क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज है, जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं को सीखने की सिंपल स्टेप्स क्या है? ओनली 4 स्टेप्स है और उन स्टेप्स का ही यूज़ किया जाता है ईच एंड एवरी लैंग्वेज को सीखने के लिए। और स्टेप कौन कौन से हैं, उस स्टेप को कहते हैं LSRW टेक्निक। मीन्स L लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग एंड W राइटिंग। मीन्स यदि हम इन 4 स्टेप्स का फॉलो करते हैं तो हम इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। लिसनिंग हम कहाँ से कर सकते हैं? आज हर किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही हम आजकल पढ़ाई करते हैं, ढेर सारी न्यूज़ सुनते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें हैं मोबाइल से करने लगे हैं। तो फर्स्ट स्टेप है लिसनिंग का। यदि हम लिसनिंग मोबाइल से करते हैं, जैसे न्यूज़ वगैरह सुन सकते हैं, स्पीच वगैरह सुन सकते हैं और जो मोरल स्टोरीज़ है उनको सुन सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम रोज़ रोज़ सुनेंगे, सुनने की आदत बनेगी, हमारे कानों को आदत पड़ेगी कि हम इंग्लिश सीख जाएंगे, इंग्लिश की वर्ड्स को कैच करना सीखेंगे। दूसरा स्टेप है स्पीकिंग। यदि हम सुन रहे हैं तो उस सुनी हुई बात को बोलने की कोशिश करनी चाहिए, ट्राई टू स्पीक। मीन्स यदि हम अकेले हैं, यदि हम दोस्तों के साथ हैं, तो एक तरह से हम माहौल बना सकते हैं और हम बातचीत कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड हम बातचीत कर सकते हैं। जैसे नवरात्रि आने वाली है तो नवरात्रि के स्टेप्स हम याद कर सकते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, कौन कौन वहाँ इस त्यौहार को मनाते हैं। सो इस तरह के स्टेप बना करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं और उस स्टेप पर बातचीत कर सकते हैं। इस तरह से यदि हम नए नए स्टेप्स लेते जाएंगे तो स्टेप्स के हिसाब से हम अपने वर्ड पावर को भी बढ़ाते जाएंगे। तीसरा स्टेप है रीडिंग। रीडिंग मतलब रीड करना है, हमें कई कई चीज़ें पढ़नी है तो ये रीड करना है, बुक्स वगैरह, न्यूज़पेपर्स वगैरह या फिर स्टोरी वगैरह। फोर्थ पार्ट कहा जाता है राइटिंग का, यानी हम राइटिंग करते हैं तो हमारा जो स्किल है उसे हम पूर्ण मान सकते हैं, यानी राइटिंग के बिना स्किल अधूरा है। तो इस तरह से हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन 4 तरीकों के माध्यम से, इन 4 टेक्निक्स के माध्यम से हम कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी है, छत्तीसगढ़ी है, उर्दू, मराठी, स्पेनिश और ढेर सारे लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। सो इस तरह से आप फॉलो करिए इस रूल को और देखेंगे कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। हमें ये सोच करके नहीं सीखनी है कोई भी भाषा को कि ये विदेशों की लैंग्वेज है या फिर ये उनकी लैंग्वेज है जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना के रखा था। हमें ये सोच के सीखना है कि हम अपने अंदर के स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, हम अपना स्किल डेवलप करने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, हमें जो प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि हम जब विदेश में जाते हैं, जब हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो हमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो हम उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हम अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, हम अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं और इसी पॉजिटिविटी के साथ हमें कोई भी भाषा सीखनी है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। टिल आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।